व्यवस्था विवरण अध्याय 8। व्यवस्था विवरण अध्याय 8। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तू जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके वह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, जंजीर, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में से उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु परमेश्वर तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, वैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। जिन जातियों को
यहोवा तुम्हारे सामने से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे।